वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडे ब्रोस में। मैं नाम है लोकेश पंडे। मैं नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसका टाइटल है नरेंद्र मोदी वर्सेस इमरान खान फुल कंपैरिजन। चलिए दोस्तों, मिलकर इस वीडियो में से क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिफाई। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों के पर्सनल लाइफ से लेके क्वालिफिकेशन, नेटवर्थ, मंथली सैलरी जैसे फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों के पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उस टाइम पे यह क्षेत्र बॉम्बे स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था, वही उनके माँ का नाम हीराबेन मोदी है। मोदी जी को कुल मिला के 4 भाई और 1 बहन भी है। नरेंद्र मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पे एक चाय की दुकान चलाते थे और बचपन के दिनों में नरेंद्र मोदी जी अपने पिता का हाथ बटाते थे। मोदी जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। शुरुआती दिनों में वे अपने फैमिली के साथ एक कच्चे मकान में रहते थे। मोदी जी जब 17 साल के थे तब उनकी शादी जशोदा बहन मोदी के साथ कराई गई, लेकिन कुछ ही सालों में वे अलग हो गए और मोदी जी ने अपना ध्यान समाज सेवा में लगा दिया। वही इमरान खान का जन्म मोदी जी के 2 साल बाद 5 अक्टूबर 1952 में पाकिस्तान के लाहौर सिटी में हुआ था। उनके पिता का नाम इकरामुल्ला खान नियाजी था, जो कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे। वही उनके मां का नाम शौकत खानम था। इमरान खान अपने 4 बहनों के इकलौते और लाडले भाई थे। इमरान खान एक अमीर खानदान से बिलोंग करते थे। इमरान खान के निजी जीवन में काफी विवाद रहे। वे जवानी के दिनों में लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर रहे। इमरान खान अब तक 3 बार शादी कर चुके हैं। उनकी पहली शादी 1995 में जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई, लेकिन 9 साल बाद दोनों अलग हो गए। फिर इमरान ने दूसरी शादी 2015 में ब्रिटिश पाकिस्तानी पत्रकार रहम खान से की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये रिश्ता भी लंबा नहीं चला और केवल 10 महीने के बाद ही तलाक हो गया। इमरान ने तीसरी शादी 2018 में बुशरा बीबी खान से की, जिनके साथ वो फिलहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मोदी जी ने अपनी स्कूलिंग 1967 में वडनगर के एक प्राइमरी स्कूल से की थी। मोदी जी को बचपन में पढ़ाई से ज्यादा डिबेट और नाटकों में भाग लेना काफी पसंद था। उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और 5 साल बाद 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वही इमरान खान ने अपनी शिक्षा लाहौर एचिसन कॉलेज और इंग्लैंड के रॉयल ग्रामर स्कूल से प्राप्त की। यही से इन्हें क्रिकेट में परीक्षण भी प्राप्त हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने 1972 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ से इन्होंने फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर 1975 में इन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। अगर करियर की बात करें तो 1971 में मोदी जी आरएसएस के प्रचारक बन गए। यही एक दौर था जब मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगह पे जाके लोगों की समस्याओं को बहुत ही करीबी से समझा। आरएसएस में मोदी जी के काम को देखते हुए भाजपा में उनको एंट्री मिल गई और वो बीजेपी पार्टी की तरफ से लोगों की सेवा करने लग गए। बाद में 1995 के गुजरात असेंबली इलेक्शन में उन्होंने गुजरात में बहुमत में अपनी सरकार बनाई। मोदी जी के अच्छे डिसीजन और गुजरात के डेवलपमेंट में किए गए कारणों की वजह से 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के लोगों ने मोदी जी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी ने गुजरात के साथ ही देश के हित के लिए कई सारे अच्छे डिसीजन भी लिए और उस दौर में भारत के एक प्रसिद्ध नेता बनकर उभरे। यही एक कारण था कि बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा इलेक्शन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। मोदी जी के प्रेरणादायक भाषण
देश के लिए उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। पिछले 5 साल में उनके काम को देख लोगों ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी को काफी अंतर से जीत दिलाई और मोदी जी 2019 में भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। वही दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले इमरान खान एक लोकप्रिय शानदार क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। इमरान ने 13 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था और जब वे 18 साल के थे तब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला और उनका ओडीआई डेब्यू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में हुआ था। शुरुआती दिनों में वे एक साधारण क्रिकेट प्लेयर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने अपने गेम में काफी बदलाव लाए और फिर 1982 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। फिर 1992 में पाकिस्तान को पहला और इकलौता क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताने के बाद इमरान ने क्रिकेट के साथ राजनीति में भी अपनी जगह बनाई। इन्होंने अप्रैल 1996 में पाकिस्तान में तहरीक ए इंसाफ नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई। उनके पार्टी का मकसद पाकिस्तान से भ्रष्टाचार को हटाना था। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर में काफी संघर्ष किया और फिर पार्टी के गठन के 22 साल बाद 2018 में राजनीतिक बाजी जीत कर साबित कर दिया कि वे क्रिकेट के पिच के ही नहीं बल्कि राजनीति के मैदान के भी ऑलराउंडर है। और फिर अगस्त 2018 में वो पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने। अगर सैलरी और नेटवर्थ की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की मंथली सैलरी 1.6 लाख भारतीय रुपए है और एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ केवल 1.42 करोड़ के आसपास है। वही इमरान खान की बतौर प्राइम मिनिस्टर मंथली सैलरी 90,300 भारतीय रुपए है और उनकी कुल नेटवर्थ 140 करोड़ के आसपास है। अगर दुनिया के 100 सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्तियों की बात करें तो Forbes.com के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9वें स्थान पर है। वही इमरान खान को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। हालांकि इमरान खान को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान यूथ के मोस्ट पॉपुलर लीडर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको किनका व्यक्तित्व अच्छा लगा, नरेंद्र मोदी या फिर इमरान खान, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जी के माँ का नाम क्या है। हिला डाला भाई, वैसे देखा जाए ना काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मतलब जो जिस तरह से इन भाई ने मतलब कंपैरिजन कर रखा है, मतलब अलग ही लेवल पे कर रखा है। मतलब हाँ, मतलब कि दोनों की स्थिति बायोग्राफी बताई गई है। मतलब कि जो इनमें जो मोदी मतलब मोदी सर के बारे में जो बताया वो काफी मतलब कि पूर परिवार से आते हैं। मतलब फिर भी उन्होंने जो इतना कामयाबी पाई पर वर्ल्ड में उनको नाम जाना जाता है। और जो इमरान खान है वो मेरे ख्याल से अमीर परिवार से थे, तो उन्होंने गरीबी देखी नहीं थी। मतलब और वो मतलब जो भी कामयाब पहुंचे उन्होंने कुछ ज्यादा स्ट्रगल मतलब इतना किया नहीं, क्या नहीं है, मगर उन्होंने कामयाबी है, उनके पास भी कामयाबी है कुछ ज्यादा। हाँ, और वैसे देखा जाए तो मतलब इस वीडियो में दो पहलू बताए गए, अमीर और गरीब। मतलब जो जैसे जो नरेंद्र मोदी है मतलब बचपन में उन्होंने इतनी डिफिकल्टी सही है, मतलब इतने मतलब जो कठिन स्थितियों से मतलब वो मतलब उभर कर आए हैं। मतलब बड़े होकर मतलब पहले इसमें इन वीडियो में बताया कि बचपन में अपने मतलब जो फादर है उनके साथ मतलब चाय बेचते थे। मतलब इतना कष्ट सहा है उनने। और अगर दूसरी तरफ ही देखें तो इमरान खान एक तरह से मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब उनकी कोई कमी नहीं थी पैसों की, और मतलब वो आईएसी मतलब एक तरह से मतलब जैसे कहते हैं मतलब पैसे कमी नहीं थी एक तरह से, मतलब मौज मस्ती भी ज़्यादा करते थे। तो एक तरह से तो फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो मतलब दोनों का मतलब अपोजिट लेवल है दोनों का ना। हाँ, तभी तो मतलब कि इनके जो बैकग्राउंड है यही इनको दर्शाता है कि कैसे ये मतलब कि किस अपने आपको ढालते हैं अपनी कंट्री तक। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, उन्होंने अपनी कंट्री को मतलब इतना पीएम बन के जो उन्होंने और जो इन्होंने सीएम बन के भी जो गुजरात के सीएम थे, तब इन्होंने बहुत विकास कर रखा है। इनको 4 साल तक मतलब कि 4 बार ये सीएम बन चुके गुजरात, उनको कोई हटा नहीं पाए, इतनी पावरफुल थे। और यहाँ जो इंडिया का बताया जाए, इंडिया में तो इनका नाम है या पूरे वर्ल्ड में भी नरेंद्र मोदी पावरफुल मतलब कि 10 पावरफुल में 9 नंबर होते हैं, बहुत बढ़िया। और जिसमें कि इमरान खान के तो कोई टॉप 100 में ही नाम भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मोदी प्राउड फॉर मोदी भाई। हाँ, और अगर इसमें देखा जाए तो नरेंद्र मोदी इस वीडियो में ये भी दिखाया गया, जो पीएम है इमरान खान वो यूथ में काफी फेमस है। मतलब उनका नाम यूथ में जो पाकिस्तान के यूथ जो पीएम है उनमें काफी फेमस है। मतलब ये भी एक तरह से देखा जाए अच्छी बात है ना। हाँ ठीक है, मतलब दोनों का कमेंट मतलब मेरे ख्याल से तो मेरे बेस्ट हाँ, मोदी मोदी मतलब, लगे। हाँ, ये तो वन साइडेड ही था। मतलब आराम से कोई भी चूज करेगा तो नरेंद्र मोदी ही चूज करेगा, क्योंकि ऑल ऑफ देम मतलब सबसे आगे सब चीज़ों में मतलब नरेंद्र मोदी ही आगे थे, क्योंकि उनका तो हमें उनका नाम ही काफ़ी है। मतलब कि लोग उनके काम को जानते हैं, एक तो नाम से जानना है, एक उनके लोगों को काम से जानते हैं, तो मतलब कि इनका कंपैरिजन तो मैं मोदी मतलब कि एक तरफा ही है, मोदी जी बेस्ट है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। नमस्ते दोस्तों।